सत श्री अकाल पंजाब इस वेले वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत ते मैं हाँ तुहाडे नाल गगनदीप सिंह पंजाब इस वेले दे विच रुख करदे आं पंजाब दी सब तो वड्डी खबर ते वल पंजाब दी सियासत दे विच एक बार फिर नवां माहौल पैदा हो चुकिया। जी हाँ 1996 दे विच बणिया भाजपाई अते बादलां दा गठजोड़ खत्म हो गया। जी हाँ प्रकाश सिंह बादल अते भाजपाई दे वल्लों अकाली भाजपा गठजोड़ दा ऐलान कीता गया सी जो कि 1996 दे विच बिना किसी शर्त तो बनाया गया सी। पर हुणे गठजोड़ सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद खत्म कर दिता गया। पहला सुखबीर सिंह बादल दी सुनाउने कि आखिरकार की कारण रहे ने कि उन्होंने वल्लों इन्ना पुराना गठजोड़ खत्म कर दिता गया। तो पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग की साड़ी लीडरशिप नाल गल की अज श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर दी सरकार जेड़ी एनडीए दी सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है सही मने ते देश दे किसानों दे विरोधी है असी उस पार्टी दे उस एनडीए दा हिस्सा नहीं हो सकते। दूजी गल जेड़ी वड्डी गल असी पार्लीमेंट च भी मैं कही ते बेनती की कि जम्मू कश्मीर नाल दा सूबा है जिथे जम्मू कश्मीर पंजाबी लोग बोलते हैं तो मेरी तायद पार्लीमेंट में फरूक अब्दुल्ला जी जो उतों के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी क्लीयरली कहा कि मैं भी पंजाबी बोलता तो पंजाबी मानता होनी चाहिए है। देखो सेंटर की सरकार ने अंग्रेजी मानता देती जी अपनी देश की भाषा नहीं पर पंजाबी जो बोलते सी लोग जो भावना सी जम्मू कश्मीर के लोगों की पंजाबी साड़ी स्टेट सबजैक्ट होए जी जो स्टेट दोनों जम्मू कश्मीर एक स्टेट से सूबा से उदों पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज ही पर सेंटर की सरकार ने वह भी गल ना मनी तो इस करके साड़ी सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लिते गए हैं श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। उधर भाजपा के उत्ते गठजोड़ टुटन तो बाद हुण लगातार हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों हमले तिखे कर दिए गए ने। इन्हां शब्दी वारां दे विच हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों कहा गया है कि यह गठजोड़ भाजपा ते बादल साहब वाला गठजोड़ नहीं है क्योंकि इस दे विच किसे दी सुनी नहीं जा रही। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਲੜੂ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਝਿਜਕ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ?
उधर अकाली भाजपा गठजोड़ टुटन तो बाद पंजाब की सियासत के विचों भी बयान आने शुरू हो चुके ने। इस दे विच भगवंत मान ने चुटकी लई है। भगवंत मान का कहना सी कि अकाली भाजपा गठजोड़ जिसनों कदे प्रकाश सिंह बादल होना वालों 9 मार्च का रिश्ता कहा जाता सी, लोगों के वलों इस 9 मार्च के रिश्ते खत्म कर दिता गया। इतों ये पता लगता है कि ये लोगों के प्रैशर नाल होया काम, ये ऊ नहीं करन वाले सी। ये जिहड़ा 9 मास का रिश्ता कहिंदे ना, ये जिहड़ा 9 है जां मास नाल अलग होया, ये किसान जथेबंदियां ते आम लोगों के पलास ने खिंचिया 9। ये ऊ 9 ये अलग होने वाला नहीं सीगा, ये लोगों के प्रैशर का पलास है। सो एक तो यह गल, नंबर 2 ते हर बार वो हरेक कानून का वो सपोर्ट करते रहे ने अकाली दल वाले। GST सारा मुल्क विरोध करता सी, ये कहिंदे जी बहुत ये तो कमाल का फैसला ले लिया मोदी जी। नोटबंदी सारे लोग जो लाइनां च लगे खड़े सी तो अकाली दल कहिंदा सी जी बहुत वधिया फैसला ले लिया जी मोदी जी ने। जमीन अक्वायर करन दा बिल जिहड़ा पिछली बार आया सीगा, उस वेले वोटिंग हुई सी, डिवीजन कहने जिहनूं असल च वोटिंग उहनूं कहिंदे आ, उस वेले भी असीं कहे 4 सीगे उदों चंदू माजरा घुमाया ब्रह्मपुरा ते हरसिमरत कौर। जदों वोटिंग होण लगी, क्योंकि वोटिंग वास्ते गैलरी वगैरह खाली करवाउणी पैंदी, अद्धा पौणा घंटा लग जांदा, तां उदों असीं कहा सीगा, मैं उदों कहा सीगा कि चंदू माजरा जी लखां किसानां ने तुहाडे हक च वोटां पाईआं, अज तुहाडीआं 4 मंगदे आ, अज तां 4 हक च पा दो उहनां दे। उदों भी इन्हां ने जमीन अक्वायर दा बिल जिहड़ा बाद दे विच रोक दित्ता गया विरोधी पार्टियां दे प्रैशर करके, उदों भी मतलब जमीन अक्वायर का जिहड़ा बिल सीगा उहदे हक च वोट पाई सी। सो अचानक यह पता नहीं किवें क्रांतिकारी हो गए, पर कोई गल नहीं, जो इन्हां दा उह तां लोक इहदे यकीन नहीं करदे, हुण तां लौट के बुद्धू घर को आए, उह वाली गल होई है। उधर सांझ खत्म होने तो बाद अकाली दल तो बाद भाजपा का भी प्रतिक्रम इस सांझ के उत्ते आया। अकाली भाजपा गठजोड़ टुटन तो बाद भाजपा के विच जरूर थोड़ा बहुत गम का माहौल है, क्योंकि भाजपा का कहना कि उन्होंने दुख है कि उन्हों का इन्ने साल पुराना गठजोड़ टुटिया है। जिहड़ा साडा एक गठबंधन टुटिया है 22 साल का, इसकी तकलीफ जरूर है, पर राजनीति जिस टाइम कितने हैवी हो जाती है तो कई पार्टियां दबाव के अंदर फैसला ले लैनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर खड़ी है, देश हित ते जनता दे हित दे विच असी फैसले लैंदे रहांगे, असी उस वास्ते अडिग। उधर मुलापुर तो अकाली दल तो MLA मनप्रीत सिंह याली दे वल्लों भी इस मामले दे विच अपना प्रतिक्रम दित्ता गया। याली दा कहना है कि उन्हां दे वल्लों लगातार मंग कीती जा रही सी कि सानू इह गठजोड़ खत्म कर दिता जाना चाहीदा, ते उन्हां नूं खुशी है कि उन्हां दी हाई कमांड ने उन्हां दी गल मन्नी अते इस गठजोड़ नूं खत्म कर दिता गया। देखो पहली गल तो मैं कांग्रेस की गल कर लाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद दस्तखत करके आए उस ऑर्डीनेंस से, सहमति दे के आए हैं, क्योंकि सूबे का जिहड़ा मुख्यमंत्री हुंदा सूबे की अगवाई करता, सूबे की नुमाइंदगी करता, उन्होंने जिहड़ा चुनिया होया एक नुमाइंदा उन्हों तो सहमति ले ली। तो लेकिन अज तो अकाली दल ने तो अपना स्टैंड क्लीयर कर दिता, इदू मेरा ख्याल वड्डी कोई कुरबानी हो नहीं सकती जिहड़ी अकाली दल ने दित्ती आ, लेकिन दूजियां पार्टियां राजनीति कर रही इहदे ते। कांग्रेस आप मुख्यमंत्री दस्तखत करके आया ते वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अज अकाली दल जिन्हें किसानों के हक के वड्डे स्टैंड लए ने, तो आने वाले समय के भी डट के किसानों के नाल श्रोमणी अकाली दल खड़ूगा, यह कानून वापस कराने लिए हर तरह के यतन उपराले संघर्ष किए जाएंगे। ये नतीजा साढ़े संघर्ष का, एक किसानों के संघर्ष का, किसानों के एकजुट होने का, एक किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं अज्जा एक डर आ, ठीक है, इन्होंने कानून तो पास कर दिता, वह एक डर इन्हों के मन के कि पंजाब के BJP के किसी वर्कर का अंद इतने पंजाब के वड़ना भी मुश्किल हो जाऊगा, आने वाले समय के पिंड भी जाना मुश्किल हो जाऊगा, अज इन के बहुत सारे अहदेदार अस्तीफे दे रहे हैं। सो इसलिए ये जिहड़ा इन्होंने कानून पास किया इहदे नाल पंजाब दे विच आने वाले समय के लिए मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पंजाब दे विच सफाया हो जाऊगा। जी सनी देओल पंजाब दा पुत जिहनूं किसानां वल्लों चेतावनी दित्ती गई कि पंजाब च नहीं बढ़न देना जी, की सनी देओल नूं की अस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल अस्तीफा दे के अज किसानां नाल खड़ना चाहिए सीगा, भाजपा दा साथ नूं छड़ना चाहिए सी, इह मेरी निजी राय आ। उधर अकाली भाजपा की सांझ खत्म होने तो बाद कांग्रसी MP रवनीत बिट्टू दे वल्लों भी अपना बयान दा कहा गया। उन्हां दा कहना सी कि लगातार ड्रामे कर रही है अकाली दल, क्योंकि पहला अस्तीफा दे के ड्रामा हुंदा है ते हुण इस तों बाद गठजोड़ तोड़न का ड्रामा भी अकाली दल दे वल्लों रच दिता गया। किहड़ी कुरबानी दसण तां सही, कुरबानी कादी देनी आ, 20 साल तों तां तुसीं BJP नाल लड़के लुट के खा गए, हुण जद पता पंजाबियां ने बढ़न नहीं देना मॉडलिंग कर रहे हो,
बीबी तो हरसिमरत ए बैठे ट्रैक्टर से आ रहे जिम्मे किसी कंपनी की ऐड कर रहे होंगे ये टाइम यह जहाँ कुछ करना कहना बंब सीटना सी और बंब सीटना सी तो सीटता फिर पार्लीमेंट च मैं मजीठिया साहब न कहना मैं मजीठिया साहब तू तो मैं बड़ा तकड़ा समझता सी तुम इन्हों कह कमजोर करता इन्हों बीबी तो जेड़े सुखबीर आ इन्हों तो सटाऊ बंब ए चुप करके बह के आके घर आके अपने बंब आप ही सीट लिया उत्ते सीट दे पार्लीमेंट बंब तो पता लगता भी बिल किमें लैके आँदी है मोदी सरकार पर इन्होंने की किया मैं मजीठिया साहब न मैं तो समझदा जो भाऊ तकड़ा है बड़ा माझे का पर वो बीबी तो हरसिमरत कौर कैं भी नहीं कर सकिया ये तो ट्रैक्टर से बैठे मॉडलिंग करते आए ये गल नहीं चलनी जाके मोदी से जाके ट्रैक्टर गेट च मारन उधर इस मामले में अकाली आगुआ का की कुछ कहना आओ पहले तुहानू सुनाने आ प्रेम सिंह चंदू माजरा ते दलजीत सिंह चीमा की जुबानी देखो अज बड़ी लंबी विचार चर्चा तो बाद कोर कमेटी ने यूनानीमसली फैसला किया कि जेडे तीन एक्ट पार्लीमेंट दे विच पास हुए एक किसान विरोधी है और ये किसानी जी है बड़ी वड्डी परेशानी दे विच पै चुकी बड़ा वड्डा संघर्ष किसानी का पंजाब दे विच हरियाणा दे विच होर सूबे दे विच चल रहा बहुत भारी विरोध हो रहा केंद्र सरकार नूं चाहिए सी कि इन्हां नूं रोक दी असी राष्ट्रपति जी नूं भी बेनती की सी कि इन्हां नूं प्रवानगी देने तो रोकया जाए पर जिस अनडेमोक्रेटिक तरीके दे नाल इह पास होए वह मैं समझदा कि सारी किसानी दे नाल इक बहुत वड्डी बेइंसाफी है बहुत वड्डा धक्का और असी इहदे खिलाफ पहला वोट भी खिलाफ पाई है पार्लीमेंट विच भी राज्यसभा विच और केंद्र तो बीबा हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दिता पर उस तो बाद जो जे एंड के पंजाबी का जोड़ा बिल पास किया गया जिस पंजाबी की अनदेखी की गई ये इस तो भी वड्डा दुखदाई मंदभाग गल इस करके असी जो रवैया उन्होंने लग्या उन्हें मुताबक अज सारिया ने कोर कमेटी ने फैसला किया यूनानी मसली कि असी एन डी ए नहीं रहेंगे बीजेपी तो अकाली दल का अलायंस जरा खत्म देखो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने अब फैसला किया कि असी एन डी ए का पार्ट नहीं रहेंगे जिन्हें खेती संबंधी जोड़े हमने कानून बनाए ने वो साडे जतना के बावजूद भी उन्होंने वाल कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए एन डी ए तो बाहर रहने का फैसला किया। अकाली भाजपा गठजोड़ टुटन तो बाद पंजाब की सियासत दे विच हर पास्यों इस मामले दे विच बयान दागे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू अमन अरोड़ा अते हरपाल सिंह चीमा दे वल्लों भी इस मामले दे विच अपना प्रतिक्रम दिता गया उन्हां दा कहना सी कि अकाली दल दे वल्लों देरी दे नाल हरेक फैसले लए गए ने। देखिए जब जब बिल पास हो गया तब तक अकाली दल की सपोर्ट किसको थी बीजेपी को थी तब तक इस कानून के पक्ष में बात कर रहे थे अब जब वो पास हो गया जब देश की पार्लियामेंट में जहां इनको चुन के लोगों ने भेजा है तो उसी वक्त तक किसी की बात नहीं की अब ये गठजोड़ तोड़ने की बात कर रहे हैं ये गठजोड़ तोड़ना था तो कम से कम 6 महीने 6 महीने पहले तोड़ते तब जाके लोगों का फायदा होता। आप पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि अकाली दल जो है वो ड्रामे कर रहा है ड्रामेबाज पार्टी बन चुका है जैसे कोई ड्रामेबाज होता है उसको कोई लोग सीरियस नहीं लेते इस वक्त भी जो है सुखबीर सिंह बादल उसकी पार्टी को कोई भी पंजाब में सीरियस नहीं ले रहा। देखो मैं समझदा कि सानू आम आदमी पार्टी नू या पंजाब दे लोकां नू इस गल दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा कि अकाली दल बीजेपी इकट्ठे रहिंदे ने इन्हां दा गठजोड़ रहिंदा या इह टुटदे ने मैं समझदा कि जो अज इह अलग अलग होए ने इहदे नाल पंजाब ये ठीक है कि अज इन्हां दा गठजोड़ टुट गया दोनों पार्टियां दा पर जिस तरीके दे नाल इन्हां दोनों पार्टियां ने पंजाब दी किसानी दा पंजाब दे आड़तियां दा व्यापारी दा और पेंडू अर्थचारे दा लक तोड़िया उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है मैं समझदा कि उहदे लई पंजाब दे लोग कदे भी इन्हां नू माफ नहीं करनगे और ये जिहड़े सियासी गठजोड़ हुंदे या टुटदे ने इह सियासी पार्टियां आपदे निजी मुफादां दे लई करदियां ने रखदियां ने या तोड़दियां ने 2.5 दहाके दे करीब यह गठजोड़ रहे ते उस 2.5 दहाकियां दे दौरान भी पंजाब ने पंजाब दे आम लोगां ने पंजाब दी किसानी ने इस गठजोड़ तो की खटिया अज तो कुछ समा पहला अकाली दल तो बीजेपी खेड़ा छड़ाउण नूं फिरदी सीगी क्योंकि 10 साल जिस तरीके दा अकाली दल दा माड़ा राज भाग रहा ते अज हालात बने पए ने कि अकाली दल ने बीजेपी तो खेड़ा छड़ाउण दे विच ही अपनी बेहतरी समझी आपदा सियासी वजूद बचा के रखण दे लई सो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी है उस तो बाद कुछ नहीं है 0+0 0 ही रहना चाहे ये इकट्ठे होके लड़ लैन चाहे अलग अलग होके लड़ लैन पंजाब दे लोक जिस तरीके दे नाल इन्हां दोनों पार्टियां ने पंजाब दे लोकां दे नाल धरो कमाया पंजाब दी किसानी नूं पंजाब दी जवानी नूं बर्बाद कीता कदे भी उहदे लई माफ नहीं करनगे। उधर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमर बैंस के वलों भी अकाली भाजपा गठजोड़ टुटन के उत्ते प्रतिक्रम दिता गया उन्हों का कहना है कि
अकाली दल की सलाह ना लेना बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं बल्कि उन्होंने वालों अपने पद्धर से सही फैसला लिया गया। बीजेपी का पहले नुकसान चाह पंजाब के अंदर बीजेपी के मैं अज नैशनल पार्टी जी देश के उत्ते गोल्डन एबसोल्यूट मजोरिटी लोग सभा के अंदर राज करती है तो पंजाब के सिर्फ दो MLA उन्होंने एंड दो MLA का भी समाप्ति खात्मा क्योंकि खेती सुधार ऑर्डीनेंस कला अज खेत मजदूर तो किसान नहीं अज पंजाब दा चाहे दुकानदार आ कारखानेदार आ प्रोफेसनल आज सब लोगों को पता लग गया कि साड़ी आर्थिकता खत्म हो जानी है जे खेती सुधार बिल कानून का रूप अख्तियार कर गए सो आने वाला समा बीजेपी का बोरिया बिस्तरा भी पंजाब दे विचों पक्के तौर पर गोल एंड जिहड़ी बादल कंपनी है ये 2022 दे विच आखिरी पत्ता इन्हों का यह आखिरी पत्ता पुट्ठा पै गया इन्हों का हशर चुटालिया वाला होना। पंजाब इस वेले दे विच हुण जांदे जांदे नजर मारते हैं अज दे सियासी बयानां दे उत्ते। देखिए जो स्वार्थ के आधार पे हो लालच के आधार पे हो तो गठबंधन टूटना ही था क्योंकि उन्होंने ये धमकी दी थी बीजेपी वालों ने कि अकाली दल वालों अगर पंजाब में आपको कुर्सी चाहिए तो आपको ये किसान का बिल वहां लागू कराना पड़ेगा किसानों को मनाना पड़ेगा। आपने बहुत से हथकंडे अपनाए आपने बहुत सी कोशिशें की किसानों को मूर्ख बनाने के लिए आपने किसानों को मूर्ख बनाने में आप नाकामयाब रहे और आपने कहा हमने गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी ने कहा इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया ये लालच और स्वार्थ के लिए गठबंधन था। आपने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है किसानों के खिलाफ साजिश में आप शामिल थे। आपका जब लालच पूरा नहीं हुआ आप किसानों की बात करते हो आपका चेहरा नंगा हो गया बिल्ली थैले से बाहर हो गई और ये दोनों पार्टियां बीजेपी और अकाली दल ये किसान विरोधी है पंजाब विरोधी है देश विरोधी है। देखो कुछ फर्क तो पड़ेगा क्योंकि अपने वास्ते इन्होंने सारा स्टेप लीता है लीता ही रीपोजिशनिंग करने वास्ते अपने मुड़ के थां बनाने वास्ते लीता क्योंकि जिस तरह धार्मिक मुद्दों लैके अकाल तख्त को लैके SGPC लैके बहवल कलाकांड लैके और जिस तरह सियासत केंद्र विच कश्मीर के मामले में CA के मामले में केंद्र सरकार के हक पुत के जो ये सियासी साख में खोरा लग्या सेगा उस खोरे तो मतलब खैड़ा छड़ाना अकाली दल वास्ते इन्ना आसान नहीं हैगा पंजाब की किसानी को भी पंजाब के आम लोगों भी पंजाब के समुचे पंजाबियों को अकाली दल स्वीकार अज की तरीक स्वीकार नहीं है हाँ बिल्कुल 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 नहीं तो जेकर इस गल के मुद्दे से ना पिछड़ मोड़ा कट दे तो अकाली दल तो पंजाब चो मतलब मुकम्मल भोग पैन के चांस से और अकाली दल लोगों ने बिल्कुल मूँह नहीं सी लाना हूँ हो सकता कि जेकर तो अगे बढ़ के पंजाब की खुदमुख्तारी की पंजाब के अधिकारों की पंजाब के पानिया की जो जो सारे पंजाब के मुद्दे है उन्होंने खड़ते हैं और राज्यों के अधिकारों वास्ते खड़ते हैं केंद्र राज संबंधा की पुनर नज़रसानी वास्ते खड़ते हैं और बीजेपी नालों मुकम्मल तौर पर सिद्धांतक तोड़ विछोड़ा करते हैं अपने घट गिनती के घर वास्ते खड़ते हैं तो शायद पंजाब के लोग आने वाले साल दो साल आम जी है अकाली दल बारे अपना नज़रिया कुछ हद तक बदल लें। पंजाब इस वेले फिलहाल इन्ना ही फिर मुड़ हाज़र होवांगे नवीं ताज़ा अपडेट्स के नाल तद तक लई मैनू दिओ इजाज़त धन्नवाद।